जब गाड़ियों का ये काफिला भोपाल के लिए निकला तो हर कोई हैरान रह गया। एक के बाद एक लगभग 100 से भी ज्यादा गाड़ियां कांग्रेस दफ्तर की तरफ जा रही थी और इसमें सवार थे सिंधिया समर्थक बैजनाथ यादव और उनके समर्थक। दावा किया जा रहा है कि बैजनाथ यादव के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस का हाथ थामा है। इस मौके पर सिंधिया समर्थक रहे बैजनाथ यादव ने सिंधिया को ही लपेटे में ले लिया। बीजेपी का माहौल अगर अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों आता वापस? 3 साल से मेरे जिस तरह से मेरी घुटन हो रही थी वहाँ, और वहाँ सिंधिया जी का एक एक कार्यकर्ता, केवल मंत्री छोड़ दो अकेले, एक एक कार्यकर्ता बहुत दुखी है। उनका उनकी अंतरात्मा से पूछो कि आपका कितना यहाँ मनोबल कमजोर हो रहा है। आपको बता दें कि शिवपुरी के बैजनाथ यादव 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने दोबारा कांग्रेस में वापसी कर ली है। बैजनाथ यादव के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। ऐसे में दोनों दलों के बागी नेता चुनाव से पहले इधर उधर भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।